धर्मशाला में होने जा रहे इन्वेस्टर मीट को लेकर धरने प्रदर्शन जोरों पर है। इसी कड़ी में हमीरपुर डिग्री कॉलेज अणु में एसएफआई के छात्रों ने धर्मशाला में होने जा रहे इन्वेस्टर मीट को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। ये धरना प्रदर्शन इन्वेस्टर मीट में शिक्षा को लेकर जो नीतियां बनाई जाएंगी उसको लेकर किया गया। धरना प्रदर्शन में एसएफआई के कई छात्रों ने हिस्सा लिया। धर्मशाला में होने जा रही इन्वेस्टर मीट को लेकर धरने प्रदर्शन भी जोरों पर है। इसी कड़ी में हमीरपुर डिग्री कॉलेज अणु में एसएफआई के छात्रों ने धर्मशाला में होने जा रही इन्वेस्टर मीट को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। ये धरना प्रदर्शन इन्वेस्टर मीट में शिक्षा को लेकर जो नीतियां बनाई जाएंगी उसको लेकर किया गया। धरना प्रदर्शन में एसएफआई के कई छात्रों ने हिस्सा लिया। एसएफआई के छात्र दीपक कुमार ने बताया कि धर्मशाला में होने जा रही इन्वेस्टर मीट को लेकर 6 नवम्बर को पूरे हिमाचल प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये मीटिंग शिक्षा में नई नीतियां लाने के लिए है, लेकिन इस मीटिंग में ऐसी नीतियां बाहर आएंगी जो कि प्राइवेटाइजेशन शिक्षा को बढ़ावा देंगी। एसएफआई कड़े शब्दों में विरोध करते हैं कि इस इन्वेस्टर मीट में जो शिक्षा को बेचने की नीतियां बनाई जाएंगी उसको लेकर एसएफआई धरना प्रदर्शन करती रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ऐसी ही नीतियां लागू करती रही तो एसएफआई और उग्र आंदोलन की चेतावनी देती है, जिसका खामियाजा प्रदेश सरकार को भुगतना होगा। आज ऐसा भाई हमीरपुर इकाई जो है एक धरना प्रदर्शन करने जा रही है, जो कि 7 और 8 तारीख को धर्मशाला के अंदर होने जा रही है। इन्वेस्टर मीट के खिलाफ है, जो इन्वेस्टर मीट के अंदर ये मीटिंग तो रखी गई शिक्षा की नई नीतियां लेकर आने के लिए है, लेकिन इंटरनली जो है इस इन्वेस्टर मीट का मेन मुद्दा ये है कि हिमाचल के अंदर से धारा 118 को हटाया जाए और ये इस इन्वेस्टर मीट के अंदर से निकल कर ऐसी ऐसी योजनाएँ आएंगी जो कि मतलब प्राइवेटाइजेशन को, एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देंगी। इसलिए आज के दिन जो 6 नवंबर के दिन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और एसएफआई ये कड़े तौर से ये मतलब सख्त तौर से ये कहती है कि ये जो इन्वेस्टर मीट के बहाने से शिक्षक और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और जितने भी शिक्षा को बेचने के नई नीतियाँ बनाई जाएंगी उनके खिलाफ जो धरना प्रदर्शन हो रहा है। और साथ साथ में एसएफआई ये चुनौती भी देती है, चैलेंज भी करती है कि अगर इसी तरह की पॉलिसियाँ अगर सरकार इसी तरह के जो स्टेप लेती रही तो एसएफआई आगे चलकर जो अपने आंदोलन को और तेज कर देगी, जिसका खामियाजा पूरी तरह से प्रशासन को भुगतना होगा।